एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, मैं यहाँ पर मौज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मौज एप्लीकेशन पर अपने वॉलेट की केवाईसी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है, फॉर्म गलत भर जाता है। भाई, अगर आप लोग फॉर्म गलत भर रहे हो तो आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आप लोगों को यही बताऊँगा, और आज के टॉपिक में भी इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उठाकर फॉलो कर लेना। तो भाई, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौज एप्लीकेशन की। भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मौज एप्लीकेशन पर अगर आप लोग अपने वॉलेट की केवाईसी कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो वॉलेट की केवाईसी कर तो चुके हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म ही गलत भर दिया। अब अगर गलती उनकी हो चुकी है तो इसके पीछे क्या हो सकता है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग एक चीज का बहुत अच्छे से इत्मीनान ध्यान रखो कि आप जो भी आधार कार्ड आपका है उसमें नाम प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपका पैन कार्ड में भी नाम प्रॉपर होना चाहिए। सेम चीज अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो उस पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है अटैच होना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। मुझे पता है बहुत से लोगों ने गलती यही करी है। इसके बाद उनका सेम बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उनके आधार कार्ड पैन कार्ड अटैच हैं और उसमें भी जो मोबाइल नंबर है वो सेम होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें क्लियर हैं आपकी तो आप केवाईसी के लिए अप्रूव कर सकते हो और केवाईसी अप्रूव भी हो जाती है। लेकिन फॉर्म गलत भर रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने फॉर्म ही गलत भर दिया है, कुछ भी उल्टा सीधा भर दिया है, तो भाई अभी आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर आपकी स्टेटस शो हो जाता है, जहां पर आपका वॉलेट का, वहीं पर जैसे कि अगर आपका वॉलेट पेंडिंग में शो हो रहा है तो भाई यहां पर रिजेक्ट आ जाएगा, और रिजेक्ट होने के बाद आप उसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन है, ये नहीं कि आपने भर दिया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप वीडियोस डालते रहो, आपके वीडियोस पर सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर फॉर्म गलत भर दिया है तो भाई फॉर्म भरते समय सारी चीजों का ध्यान रखा करो आप लोग। और अगर आपने वो चीजें नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि आप अपने मौज एप्लीकेशन की वॉलेट की केवाईसी कैसे कर सकते हैं, मैंने पूरा बता रखा है, जाकर आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना, मैंने आई बटन पर वो दे रखी है। अच्छा, एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने मौज वॉलेट की केवाईसी करते टाइम कोई भी चीजें गलत भर देते हो तो भाई गलत भरने के बाद सिर्फ आप अपने वीडियोस पर फोकस करो, ऐसा मत करो कि वीडियोस बनाना ही बंद कर दी, इससे भी बहुत बड़े डिस इफेक्ट हो जाते हैं और मैं वो नहीं चाहता हूं। आप लोग बस मौज पर काम करते रहो, ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। खैर, आज के टॉपिक को यही एंड करूंगा। आप लोग कहां से बिलोंग करते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो, मुझे कमेंट कर देना ताकि पता चले कि लोग कहां कहां से देख रहे हैं ये वीडियो। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।